मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के झंडे की इन उसके ऊपर बकवास करते हैं, आसिया अंद्राबी ने अगर झंडा लहराया है, कौमी तराना पड़ा है, तू इस तिरंगे को लहराना चाहता है? आज कश्मीर में हमारा परचम लेके जो है शहीद हो रहे हैं लोग, हमारा परचम लेके पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, हमारा परचम लेके वो शहीद होते हैं और इसी में ही इसी को कफन बना के लपेट के दफन होते हैं। तेरी क्या औकात है? तेरे तिरंगे की ये औकात है, तेरे तिरंगे को मैं ये जानती हूँ और जितने टुकड़े मैं अच्छे कर रही हूँ भारत के टुकड़े इतने होने हैं इंशाल्लाह, भारत इंशाल्लाह इतने ही टुकड़े होंगे और भारत को इंशाल्लाह हम आग लगाएंगे। ये ना समझ मेरी जुरत है, इंशाल्लाह मैं तेरे तिरंगे को ऐसे ही आग लगाऊंगी, तेरे मुल्क के भारत को भी ऐसे इतने ही टुकड़ों में करूंगी। तुम लोग दहशतगर्दी करो, उसके बाद तुम लोग प्रचार करो हमसे, तुम हमसे बात करो इंसानियत की, तुम हमसे बात करो अच्छे अल्फाज। और तू क्या समझता है बूढ़ी? तेरे भारत के टुकड़े करूंगी मैं, तेरे भारत के इतने टुकड़े होंगे, नागालैंड खालिस्तान आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। तू सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा है, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये है, तेरी औकात तेरे तिरंगे की औकात ये है, तेरे तिरंगे की औकात ये है, मेरे कदमों में है, हम पाकिस्तानियों के कदमों में है तेरा तिरंगा, और तेरी औकात ये है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के झंडे की इन उसके ऊपर बकवास करते हैं, आसिया अंद्राबी ने अगर झंडा लहराया है, कौमी तराना पड़ा है, तू इस तिरंगे को लहराना चाहता है? आज कश्मीर में हमारा परचम लेके जो है शहीद हो रहे हैं लोग, हमारा परचम लेके पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, हमारा परचम लेके वो शहीद होते हैं और इसी में ही इसी को कफन बना के लपेट के दफन होते हैं। तेरी क्या औकात है? तेरे तिरंगे की ये औकात है, तेरे तिरंगे को मैं ये जानती हूँ और जितने टुकड़े मैं अच्छे कर रही हूँ भारत के टुकड़े इतने होने हैं इंशाल्लाह, भारत इंशाल्लाह इतने ही टुकड़े होंगे और भारत को इंशाल्लाह हम आग लगाएंगे। ये ना समझ मेरी जुरत है, इंशाल्लाह मैं तेरे तिरंगे को ऐसे ही आग लगाऊंगी, तेरे मुल्क के भारत को भी ऐसे इतने ही टुकड़ों में करूंगी। तुम लोग दहशत